एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट या डिस्पाइट द फैक्ट दैट। गाइस, इससे पहले मैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर इसका लिंक देख सकते हैं। मैंने इन स्पाइट ऑफ में एड किया है द फैक्ट दैट और डिस्पाइट में द फैक्ट दैट। इसका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। गाइस, अगर एक सेंटेंस है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर ये जो सेंटेंस है इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसमें भी बावजूद आ रहा है। इससे पहले जो हमने देखा था वो एक छोटा सा था, उसमें था कि इन स्पाइट ऑफ ईटिंग गोइंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड। इसमें आपको लगाना होगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। तो क्यों और कैसे, देखिए गाइस, तुमने मुझे थप्पड़ मारा एक सेंटेंस ये है, इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं, यानी कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस हमारे पास हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप एक सेंटेंस उठाइए, वो सेंटेंस उठाइए जो आप करते हैं लास्ट में, यानी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं, यानी कि आपने जो मेरे साथ किया है उसके बावजूद मैं कुछ अच्छा ही आपके साथ करता हूं। तो वो जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसे आप सबसे पहले उठाइए, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये सेंटेंस आप सबसे पहले उठाइए। ओके, अब दिखाइए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इतना बड़ा आपको बोलना होगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी कि उस सच्चाई के बावजूद। कौन सी है वो सच्चाई, कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसको आप यहां पर दिखा दें। कहने का मतलब यह है कि आपने मेरे साथ जो कुछ गलत किया उसे हम यहां दिखाएंगे लास्ट में, और उसके बावजूद मैं आपके साथ कुछ अच्छा ही कर रहा हूं उसको हम यहां दिखाएंगे। मैं ट्रांसलेट करता हूं, फिर समझिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं। सबसे पहले बनाइए मैं तुमसे प्यार करता हूं, कैसे होगा, आई लव यू, आई लव यू इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यहां पर डालिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। अब इस दैट के बाद वो दिखाइए जो उसने आपके साथ किया, क्या किया उसने, आपको थप्पड़ मारा, यानी कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, यू स्लैप्ड मी। कहने का मतलब यह है कि इस सच्चाई के बावजूद कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुमसे प्यार करता हूं, यानी कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आप जो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, उसको सबसे पहले दिखाइए, फिर बीच में लगाइए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, उसके बाद जो उसने आपके साथ गलत काम किया वो सेंटेंस दिखाइए, उसने आपको थप्पड़ मारा यानी कि बुरा किया उसे दिखाइए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मेरे दोस्त के पास डिग्री नहीं है, इसके बावजूद वह एक सफल व्यक्ति है, तो आप इस लास्ट वाले को पहले उठाइए, वह एक सफल व्यक्ति है, कैसे बोलेंगे, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, वो एक सफल व्यक्ति है इसके बावजूद कि उसके पास डिग्री नहीं है। तो यहां पर लगाइए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, उसके पास डिग्री नहीं है, ही डजंट हैव अ डिग्री। यहां पर मैंने दो दो बार ही लिखा है, तो आप यहां पर माय फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि आप पता तो चले सुनने वाले को कि आपका दोस्त है, तो आप यहां पर लिखिए My friend is a successful person. मेरा जो दोस्त है वो एक सफल व्यक्ति है, in spite of the fact, इस सच्चाई के बावजूद that he doesn't have a degree.
उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, इसके बावजूद वो एक सफल व्यक्ति है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप उस रिजल्ट को दिखाइए कि ये होने के बावजूद वो ऐसा है, सबसे पहले उसको दिखाइए वो सेंटेंस, उसके बाद लगाइए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, और फिर वो सेंटेंस दिखाइए जो उसकी प्रॉब्लम है, यानी कि उसके पास डिग्री नहीं है। पहले आप ऐसे शुरुआत करें। एक और सेंटेंस मैं बोलता हूं, ध्यान दीजिए, ओके। इसके बावजूद कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, मैं रोज एक वीडियो शूट करता हूं। अब बताइए, इसके बावजूद कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मैं रोज एक वीडियो शूट करता हूं, तो पहले मैं बोलूंगा मैं एक वीडियो शूट करता हूं, आई शूट अ वीडियो डेली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट हैव अ गुड कैमरा। सोचिए गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को। अगर आपको बोलना है इसके बावजूद कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं रोज खाना पकाता हूं, यानी कि कुकिंग मुझे नहीं आता है, इसके बावजूद मैं खाना पकाता हूं, तो आई कुक फूड डेली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट नो कुकिंग या आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। सो इस तरह के सेंटेंसेस आपको सोचने होंगे दोस्तों। और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स, ओके। इसके बावजूद कि आपको सही से कार चलाना नहीं आता है, आप रोज ऑफिस कार से जाते हैं। अब इसको बोलना है कि यू गो टू ऑफिस by car daily in spite of the fact that you don't know how to drive the car। एक और sentence देखते हैं। इसके बावजूद कि वह एक हफ्ते से interview की तैयारी कर रहा था, वो interview में pass नहीं हुआ। दो sentences आपको साफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक, वो interview में pass नहीं हुआ, दूसरा, वो एक हफ्ते से तैयारी कर रहा था, बीच में है इसके बावजूद। तो आप सबसे पहले लास्ट वाले को दिखाइए कि he didn't pass the interview in spite of the fact that he had been preparing for a week। वो एक हफ्ते से तैयारी कर रहा था। इसके बावजूद कि आप मेरे वीडियोस को नहीं देखते हैं, मैं वीडियोस रोज अपलोड करता हूं, मान लीजिए नहीं देखते, तो मैं कैसे बोलूंगा, I upload a video daily in spite of the fact that you don't watch my videos। So guys, I hope आप समझ पा रहे होंगे, जहां जहां in spite of the fact था, तो अगर आप चाहें तो in spite of ना बोल करके आप इसकी जगह बोल सकते हैं despite the fact that, यानी कि आप जब भी despite बोलेंगे तो आपको of नहीं लगाना होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इसी को अगर बोलना हो कि I love you despite the fact that you slapped me, तो जहां भी in spite of है वहां पर आप लगा सकते हैं despite। So guys, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट आप इस पर sentences बनाइए, सोचिए। अगर आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं दोस्तों। वेल, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गाइस, अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो, तो जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स आप तक पहुंच सके दोस्तों। और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।